आज के प्रयोग का उद्देश्य है किसी तानित स्लिंकी अथवा डोरी में संचरित अनुप्रस्थ स्पंद की चाल ज्ञात करना। आइए प्रयोग प्रारंभ करने से पहले हम इससे संबंधित कुछ जरूरी शब्दावली से परिचित हो जाएं। सबसे पहले हम तरंग अथवा स्पंद का अंतर समझते हैं। जब किसी माध्यम में विक्षोभ निरंतर संचरित होता है तो उस विक्षोभ को हम तरंग कहते हैं, किंतु कुछ विशेष स्थितियों में ये विक्षोभ एक लघु समय का ही रह पाता है। ऐसे लघु समय में रह पाने वाले विक्षोभ को हम स्पंद कहते हैं। तरंग अथवा स्पंद माध्यम के कणों की अपनी सामान्य दूरी से ही हटने का परिरूप है। जब हम माध्यम के किसी कण को विक्षोभित करते हैं तो वे कण अपने निकटवर्ती कण को वे विक्षोभ एक विशिष्ट दिशा में संचरित करता है, जिसे हम तरंग अथवा स्पंद की संचरण दिशा भी कहते हैं। आइए अब अनुप्रस्थ तरंग अथवा स्पंद का अर्थ समझें। जब किसी तरंग अथवा स्पंद की संचरण दिशा उस माध्यम के कणों की विक्षोभित होने की दिशा के लंबवत हो तो उस तरंग अथवा स्पंद को हम अनुप्रस्थ तरंग अथवा स्पंद कहते हैं। जब हम शांत जल में किसी वस्तु द्वारा विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो जो विक्षोभ संचरित होता है उसे अनुप्रस्थ स्पंद कहते हैं। जो कुंडली अपनी सामान्य स्थिति से शिखर तक पहुंच रही है उसे हम श्रृंग अर्थात क्रेस्ट, और जो कुंडली अपनी सामान्य स्थिति से घाटी तक पहुंच रही है उसे गर्त कहते हैं अर्थात ट्रफ। स्पंद की चाल ज्ञात करने के लिए हमें स्पंद द्वारा तय की गई दूरी को विभाजित करना है उस दूरी को तय करने में लगे समय से। आज के प्रयोग में हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो आइए अब हम देखें कि हमें आज के प्रयोग में किन किन उपकरणों की जरूरत होगी। एक स्लिंकी, एक विराम घड़ी। यहां आप देख सकते हैं कि ये निशान आपको मिनट बताता है और ये निशान आपको सेकंड बताता है, और ये तीसरे नंबर पर आपको 1/100 सेकंड पता चलते हैं, अर्थात इस विराम घड़ी का अल्पतमांक 1/100 सेकंड यानी कि 0.01 सेकंड है। एक मापक फीता जिससे हम अपने स्लिंकी की लंबाई माप सके। आइए अब हम अपना प्रयोग शुरू करें। आज के प्रयोग को करने में मेरे दो साथी जॉय और संजय मेरी सहायता करेंगे। एक सिरे को मैंने संजय और दूसरे सिरे को जॉय को दिया है। अब आइए हम देखें कि इस स्लिंकी में किस प्रकार अनुप्रस्थ स्पंद को उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ हम याद रखें कि हमें ज्यादा तनाव नहीं देना, अन्यथा स्पंद की चाल अधिक हो जाएगी जिससे हमें चाल का प्रेक्षण करने में कठिन होगा। आपको यहाँ याद रखना है कि स्पंद आप तभी उत्पन्न करें जब आपकी स्लिंकी विराम अवस्था में हो। आप इस तरह बीच में हाथ रख के भी अपनी स्लिंकी को विराम अवस्था में ला सकते हैं। स्लिंकी में कोई गांठ या कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वे स्पंद के गमन में त्रुटि लाएगी। यहाँ पे ये भी याद रखना है कि आपकी स्लिंकी किसी पृष्ठ को ना छुए, अन्यथा स्पंद की ऊर्जा अवशोषित हो जाएगी। संजय, आपको क्या करना है, इस स्लिंकी की लंबाई के लंबवत विक्षोभ उत्पन्न करना है। या तो आप इसको दाएं बाएं कर सकते हैं या इसको ऊपर नीचे दे सकते हैं। तो आप इसको संजय ऊपर नीचे झटका देंगे जिससे इसमें स्पंद उत्पन्न होगा। आप करिए, एक बार जोर से झटका दीजिए। ये देखिए, यहाँ पे स्पंद उत्पन्न हुआ है जो एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाता है
और दूसरे सिरे से परावर्तित होकर पुनः अपने पहले सिरे पर आता है और फिर से परावर्तित होकर दूसरे सिरे पर जाता है। इस तरह से ये यहाँ पे 6 से 8 यात्रा पूरी कर सकता है। यहां हमने जो एक यात्रा मानी है वह है जिस सिरे से हमने स्पंद उत्पन्न किया है उस सिरे से दूसरे सिरे तक जाना और वापस पुनः पहले सिरे पे आना, इसे हम एक यात्रा मानेंगे। और इस एक यात्रा में स्पंद स्लिंकी की लंबाई की दुगनी दूरी तय करती है। आइए अब हम अपना प्रयोग शुरू करें। सबसे पहले हम इस स्लिंकी की लंबाई मापेंगे मापक फीते के द्वारा। आपको इस मापक फीते को इस स्लिंकी के अवनमित पथ के अनुदिश रखना है, अर्थात इस स्लिंकी के सैग्ड पाथ के अलोंग। इस स्लिंकी की लंबाई 270 सेंटीमीटर है। अब हम इसमें स्पंद उत्पन्न करते हैं और हम 5 यात्रा को पूरी करने का समय मापते हैं विराम घड़ी के द्वारा। और याद रखें कि जब आप स्पंद उत्पन्न करें उस समय आप विराम घड़ी को चालू करें और स्पंद जब अपनी 5 यात्रा पूरी कर ले तो आप इस विराम घड़ी को बंद कर दें। करें 3, 4, 5। यहां आप देखिए कि 5 यात्रा को पूरी करने में जो समय लगा है वह है 4.60 सेकेंड। अब हम इसी प्रेक्षण को स्लिंकी की लंबाई बदलकर दोहराएंगे। अब हम इस स्लिंकी की लंबाई मापते हैं। यहां तक स्लिंकी की लंबाई 150 सेंटीमीटर हो गई है। अब आप देखें कि कुल मिलाकर स्लिंकी की लंबाई 150 और 65 को जमा करके 215 सेंटीमीटर है। अब हम इस स्लिंकी में स्पंद उत्पन्न करेंगे और स्पंद द्वारा इस लंबाई की 5 यात्रा को पूरी करने का समय मापेंगे। आप झटका दीजिए 1, 2, 3, 4, 5। जो समय आया है वह है 5.31 सेकेंड। अब हम तीसरे प्रेक्षण के लिए फिर से स्लिंकी की लंबाई को बदल देते हैं। स्लिंकी की लंबाई 185 सेंटीमीटर है। शुरू करें 2, 3, 4, 5। देखिए कितना समय आया है वह है 4.94 सेकेंड। अब हम इन सारे प्रेक्षणों को प्रेक्षण तालिका में नोट करते हैं। जॉय और संजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रयोग में मेरी सहायता करने के लिए। हमने सभी प्रेक्षणों को प्रेक्षण तालिका में नोट कर लिया है। आइए इस प्रेक्षण तालिका को देखें। जब हमने स्लिंकी की लंबाई 270 सेंटीमीटर ली तो उसमें स्पंद की चाल 5.9 मीटर प्रति सेकंड आई। 215 सेंटीमीटर की लंबाई में स्पंद की चाल
4.1 मीटर प्रति सेकंड आई और जब हमने स्लिंकी की लंबाई 185 सेंटीमीटर ली तो उसमें स्पंद की चाल 3.7 मीटर प्रति सेकंड आई। इस प्रकार हम स्लिंकी की अलग अलग लंबाई लेकर स्लिंकी में संचरित स्पंद की चाल ज्ञात कर सकते हैं। आज के प्रयोग में हमने देखा कि तानित स्लिंकी की भिन्न भिन्न लंबाई के लिए स्पंद की चाल भिन्न है। ऐसा क्यों है? आप इसका कारण जानने का प्रयास करें। आइए अब हम दोहराएं कि हमने आज के प्रयोग से क्या सीखा। आज हमने ये सीखा कि किसी भी तानित स्लिंकी में किस प्रकार अनुप्रस्थ स्पंद उत्पन्न किया जा सकता है। स्पंद की चाल ज्ञात करने के लिए हमने स्पंद द्वारा तय की गई दूरी को नापा और उस दूरी को तय करने में लगे समय को हमने विराम घड़ी से मापा। हमने जिस सूत्र का उपयोग किया वह है स्पंद की चाल बराबर है स्पंद द्वारा तय की गई दूरी बटा उस दूरी को तय करने में लगा समय। यहां आप ध्यान रखें कि हमने 5 से 6 यात्रा ली। आप स्पंद की चाल 1 यात्रा से भी निकाल सकते हैं परंतु उसमें बहुत त्रुटि होगी। आज के प्रयोग में हमने स्लिंकी का उपयोग किया। यदि आपको स्लिंकी ना उपलब्ध हो तो आप इस तरह की एक 4 से 5 मीटर सूती लंबी डोरी का भी उपयोग कर सकते हैं।